साथियों, मैं हूं अरज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। ऑनलाइन भास्कर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कबड्डी में स्टेट चैंपियन बनी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ की टीम। वीर चक्र विजेता कमांडर इंद्र सिंह ने टीम को किया सम्मानित। बोले, बेटियां किसी से कम नहीं, जेट फाइटर भी उड़ा रही है हमारी लाडली। गांव खराव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कबड्डी की टीम के हरियाणा में विजय रहने पर उनका हौसला और उत्साह वर्धन करने के लिए हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के पूर्व संरक्षक प्रधान और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे 99 वर्षीय वीर चक्र विजेता कमांडर इंदर सिंह विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने छात्राओं की पूरी टीम को जिला उप शिक्षा अधिकारी जितेंद्र खत्री, प्राचार्य उर्मिला देवी, पूरे शिक्षक स्टाफ और छात्राओं की उपस्थिति में एक एक ट्रैकसूट और मेडल भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं स्कूल की शारीरिक शिक्षक डीपी गीता मैडम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें एक खेल किट, मेडल और प्रिंसिपल महोदया के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की गई। स्कूल प्राचार्य उर्मिला देवी और जिला उप शिक्षा अधिकारी जितेंद्र खत्री ने इस नेक और उत्साहवर्धक कार्य के लिए कमांडर इंद्र सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने के उपरांत कमांडर इंदर सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों को निडर होकर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आज बेटियां जीवन के उन्हें डरने और शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि निर्भीक होकर अपनी रुचि के कार्य में बढ़ चढ़कर मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। आज बेटियां हवाई जहाज और फाइटर तक उड़ा रही हैं। मैं बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहता हूं, आप जीवन में आगे बढ़कर अपने माता पिता, गांव और देश प्रदेश का नाम जगत में रोशन करें। सम्मान समारोह में विद्यालय पहुंचने पर कमांडर साहब का ग्रामीणों, स्कूल स्टाफ और छात्राओं ने भव्य स्वागत किया। गांव की तरफ से कमांडर साहब का पगड़ी बांधकर फूल मालाओं के साथ शाल भेंटकर भव्य स्वागत किया। सम्मान समारोह में गांव के पूर्व सरपंच बिजेंद्र मलिक, कैप्टन जगबीर मलिक, राजवीर मलिक, सूबेदार धन सिंह, कैप्टन प्रताप सिंह, अध्यापिका सरला, सुरेश, गीता, संदीप सहित सभी स्कूल शिक्षक और छात्राएं उपस्थित रही। और नमस्कार, आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में कमांडर इंदर सिंह वीर चक्र विजेता पहुंचे हैं और उन्होंने बेटियों को कबड्डी की टीम में फर्स्ट आने पर उनके लिए ट्रैक सूट, मेडल और एक ट्रॉफी जो है इनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदान कर रहे हैं। हम कमांडर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे स्टाफ के भी बहुत बहुत धन्यवादी है कि उनके मार्गदर्शन में बेटियों ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। ये इसी प्रकार से भविष्य में भी उपलब्धि प्राप्त करते रहें। और हमारे साथ में आए हुए हमारे डिप्टी डीओ साहब, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। बहुत बढ़िया काम है सर ये। स्कूल में इन लड़कियों को जो सम्मानित किया गया कमांडर इंदर सिंह जी के द्वारा, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी खरावड़ की टीम को, कैप्टन जगवीर सिंह को, राजवीर जी को और पूर्व प्रधान विजेंद्र जी को। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और ये जो काम इन्होंने किया है इससे बच्चों का हौसला बढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा स्टाफ इसी लगन से काम करता रहेगा और ये लड़कियां और ज्यादा आगे इसी प्रकार से तरक्की करती रहेंगी, मेहनत करती रहेंगी। तो पूरी कबड्डी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बेटा एक बार बताइए, आगे आप और इनाम लेंगे ना? ऐसे नहीं बेटा, और इनाम लेंगे ना? वेरी गुड। और इसी तरीके से हमारी लड़कियां आगे इनाम लेती रहेंगी। बेटे इनामों की कमी नहीं आने दी जाएगी, आपको जरूर मिलेंगे। कमांडर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? सूट दे दें वो आज इनका सपना। बेटियों को जो आपने सम्मान दिया है आपका बहुत बहुत उसके लिए शुक्रगुजार है गाँव, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो सम्मान आप लोगों ने मेरे को दिया है, आज मैं नहीं समझता वो सम्मान के कभी काबिल था, लेकिन मैं बेटियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर तरक्की करना चाहती हैं तो पूरा दिल के साथ अपना काम करें, पढ़ाई करें और पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी वो अच्छी तरह से भाग लें और ताकि अपने परिवार, अपने माँ बाप, स्कूल और जिला और कंट्री का सम्मान बढ़े। आजकल बेटियाँ बहुत अंतरिक्ष तक पहुँच चुकी हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। ये
कोई मामूली बात नहीं है, पहले की तरह नहीं है। पहले लड़कियों को घर से निकलना ही बंद कर दिया जाता था, लेकिन आजकल लड़कियां फौज के अंदर भी भाग लेती है देश की लड़ाई। भाई अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।